बहुत सारे लोग आए हुए थे हमारी हत्या करने के लिए, जहाँ पुलिस की कार हम बच गए। वहाँ से उन्होंने हमारे को 11 बजे फ्री करके छोड़ा के उन्होंने कहा हमारे को सिक्योरिटी चाहिए, सर हमारा मर्डर हो जाएगा। उन्होंने हमारे को सिक्योरिटी दी, पुलिस ने कहा तुम कहाँ जाना चाहते हो, मैंने कहा बस खाली आप हमें DND पार करा दो, बाकी हम अपने आप देख लेंगे कहाँ जाना है। सब कुछ फैला हुआ था, अगर कोई और भी कर जाएगा हमारे ऊपर नाम आएगा, यही हुआ है हमारे साथ, पता नहीं कौन कौन था और हमारे ऊपर नाम आ गया। हम अपने भाई से भी, अपनी बहन से तो हाथ धो बैठे हैं, अपना भाई भी खो रहे हैं, हमारे भाई को भी पुलिस ने पकड़ रखा है। हम क्या आके मैंने दिखाया किस तरह से लोहे की रोड़ों से बाइकों की हेडलाइट तोड़ी, टंकी तोड़ी, पीछे की सीटें फाड़ दी। अगर वो रोड किसी जीवित व्यक्ति के लगती तो आप सोच सकते हैं कि उनका क्या हाल होता। खाम खां का ब्लेम, जिसको कहते हैं ब्लेम, मतलब हमें क्या पता कहाँ के लोग, हो सकता है उनके ही लोग हों। मेरे लड़के को उठा के ले गए, ठीक है ना, हमारे पर ब्लेम लगा दिया। हमारे पास कौन से 25 लड़के यहाँ पर, मेरी सिर्फ सिंगल फैमिली रहती है यहाँ पर, मेरा सिर्फ एक ही भाई है और एक ही भाई है, उसको जानबूझ के फंसाया जा रहा है ताकि ये सुमित का घर है। ये सुमित वही लड़का है जिसने दूसरे समुदाय की लड़की के साथ शादी की है, और घर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये 2 कमरों का घर है जिसमें सुमित रहता है, और यहाँ पर ये सुमित के फादर, जो सुमित के पापा हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे हम और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा घटनाक्रम क्या था और किस तरीके से जो भी वारदात थी उसको अंजाम दिया गया। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम किशनदीप है, मैं सुमित का पापा हूँ। उस दिन, उस रात को क्या हुआ था और ये पूरा मामला क्या है, आखिर एक बार बताएंगे? मैं बता रहा हूँ कि मेरे लड़के ने मुसलमान की लड़की से शादी की है। मैंने 6 महीने पहले उसको इन्फॉर्म कर दिया था, भाई तो अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दे या मेरे लड़के से कर दे, जाति विवाद को रखे हम वाल्मीकि हैं, इसलिए उसने शादी नहीं की। और मेरे लड़के ने 17 तारीख को मार्च में अभी शादी कर ली, और शादी करने के बाद 20 तारीख को हमने उनको थाने में पेश किया, तो वहाँ पर लड़की वाले के बहुत सारे लोग आए हुए थे हमारी हत्या करने के लिए, जहाँ पुलिस की कार हम बच गए। वहाँ से उन्होंने हमारे को 11 बजे फ्री करके छोड़ा के उन्होंने कहा हमारे को सिक्योरिटी चाहिए, सर हमारा मर्डर हो जाएगा। उन्होंने हमारे को सिक्योरिटी दी, पुलिस ने कहा तुम कहाँ जाना चाहते हो, मैंने कहा बस खाली आप हमें DND पार करा दो, बाकी हम अपने आप देख लेंगे कहाँ जाना है। उन्होंने DND पार कराया, इतने तो यहाँ वो उन्होंने सोचा हम बच्चों को लेकर यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पे आके इतने 20 से 40 लोग आए और उन्होंने तोड़ फोड़ करिए, तलवारें चलाई हैं, लेडीज़ों को मारा, जो बच्चे थे घायल करें, और 30 से 35 मोटरसाइकिल थाने में पड़ी हैं, डैमेज कर दिए, बिल्कुल ख़त्म कर दिए, जो ठीक भी नहीं हो सकती। अब ये बताओ उनको कौन ठीक कराएगा, कौन पैसा देगा, प्राइवेट नौकर हैं बच्चे। इस समय सुमित कहाँ हैं और वो जो लड़की है वो कहाँ है? सुमित यहाँ नहीं है, सुमित अपनी सुरक्षा जगह पर है, मैं बता नहीं सकता आपको, समझ लो वो हरिद्वार नहाने गया हुआ है, सुमित वहाँ है। अच्छा, तो जब आप उस समय जब ये घटना हुई आप उस समय कहाँ पे थे? हम जब घटना वो जो जिन्होंने घटना की है वहाँ 10 से 20 लड़के थे, जैसे उनको पता लगा कि हमारे को निकाल दिया गया है पुलिस सिक्योरिटी में, तो उन्होंने सोचा कि हम यहाँ आएंगे काले खां, उन्होंने तुरंत अटैक किया। यहाँ पे आते ही उन्होंने किसी को पूछा नहीं, जो दिखा उसको मारा। उनको बाद में पता चला कि मेरे तो घर में ताला लग रहा है, यहाँ नहीं आए, तो फिर लोग गाड़ियों में आग लगाने लगे, तो लोगों ने शोर मचाया, तो फिर वो भागने लगे, इतनी पुलिस गई है। उसके बाद पुलिस सिक्योरिटी की उसमें है, हम सुरक्षा में, उसके बाद तो कोई घटना नहीं घटी है। हम ये चाहते हैं जिनका नुकसान है वो नुकसान देना चाहिए, और मैं भी एक प्राइवेट नौकर हूँ, मैं भी 5-7 दिन से भगा फिर रहा हूँ, कहीं फिर रहा हूँ, मेरी भी नौकरी छूटने वाली है, मेरे को भी कोई सहायता मिलनी चाहिए। ठीक है, सुमित क्या करता है? सुमित पढ़ता है जी। अच्छा, उसकी उम्र 22 साल है। अच्छा, तो पढ़ाई करता है, और लड़की क्या करती है? लड़की भी पढ़ रही है सर, वो भी पढ़ती थी। अच्छा, लड़की 19 साल की है, लड़का 22 साल का है, दोनों पढ़ते हैं, और सुमित पढ़ने के साथ साथ एक जॉब करता है छोटी मोटी किसी के पास पार्ट टाइम, जिसमें उसे 5-6 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो घटनाक्रम हुआ उस समय आप लोग कहाँ मौजूद थे? मैं बता तो रहा हूँ, DND पे थे, जैसे ही पुलिस वालों ने हमें DND पे छोड़ा है कि भाई आप इस वक्त सुरक्षित हो जा सकते हो, हमने कहाँ जा सकते हो, वैसे तुरंत फोन आ गया कि काले खां में हमला कर दिया मुसलमानों ने और सबको मार रहे हैं और बहुत शोर शराबा हो रहा है। हमने उसी वक्त पर एक पुलिस अधिकारी का हम पे नंबर था, हमने उनको फोन किया, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए वो वहाँ से भागे हैं कि भाई हम तो तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, हम वहीं पहुँच रहे हैं काले खां। जैसे जब तक वो आया उतने घटना घट चुकी थी। ठीक है, आप बता रहे हैं
कि 6 महीने पहले का मामला था जब आपने उसके परिवार वालों से लड़की के परिवार वालों से बात करी थी, शादी कर दो भाई, देखो बेटी का मामला है भाई, तेरे को कल को बदनामी ना हो, मैंने बोला उसको। अब देखो मेरे बेटे की और मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, हमने उनको सूचित कर दिया था, जब वो उस चीज पर नहीं निर्भर रहे तो देखो जी अब भाग गई तो तुम तलवार मार रहे हो, छोरा मार रहे हो, तो हमें पहले भी तो हमने आपको सूचित कर रखा था अपनी बेटी की, पहले भी इस तरीके की कोई धमकी दी गई थी कि उनकी तरफ? कोई धमकी नहीं दी गई, पहले यही बोला था कि भाई एक तो तुम अपनी जात देख लो और हमारे को देख लो, तुम क्या हो और हम क्या, बस ये बोला गया था जब मैं रिश्ता मांगने गया। हाँ जी, तो जाति सूचक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल किया कि तुम जमादार हो, सफाई वाले हो, 20-20 रुपए में नाली साफ करते हो और तुम्हारी औकात क्या है और हमारी औकात क्या है। अच्छा, तो फिर उसके बाद अभी जो है क्या उनकी तरफ से जो लड़के हैं जिन्होंने यहाँ पे हुड़दंग मचाया, क्या आप उन्हें जानते हैं कि किसी को? जानते हैं सबको, मैं नहीं जानता, जो मेरी बहू है उनकी बहन मौसी खाला फाला जो भी लगती होगी, उस लड़की ने वीडियो कॉटेज के थ्रू देख के और हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं उनको उनके नाम बताए हैं, उसका सगा भाई है जिसने सगा भाई और एक जो सुलेमान जी हैं उनकी एक लड़की है जो जिस दिन दोनों ने मिलकर तांडव मचाया है, उनका मतलब तो यह था कि दो चारों का मर्डर कर दें जब देखा जाएगा क्या होगा, और ये कह के गए साले तुमने एक रखी हम तुम्हारी 50 रखेंगे। पुलिस की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिला? सपोर्ट है। और पड़ोसियों की तरफ से? पड़ोसियों की तरफ से भी। तो किसी तरह की अब तो समस्या नहीं है, डर तो नहीं है किसी बात नहीं है, बस ये है कि जी अन्याय मतलब हमें न्याय मिलना चाहिए, जो हमारे साथ घटना घटी है उसका न्याय मिलना चाहिए, घायल लोग हैं जो बेचारे ड्यूटी जाना चाहते थे वो नहीं गए हैं, उनकी बाइकें टूटी हुई हैं उनका हर्जाना देना चाहिए, कुछ हमारी कोई मदद करे, जो हमारे यहाँ के नेता लोग हैं अभी तक कोई नहीं आया है, जो यहाँ के दर्शना जी हैं परवीन जी हैं, अभी मोमडनों में जरा सा काम हो जाता तो परवीन जी वहाँ पहुँच जाते माला पहनने, यहाँ तो कोई नहीं आया जी। तो मतलब राजनीतिक संगठन की तरफ से कोई भी नहीं? कोई नहीं आया। हम देख रहे हैं कोई दूसरे जो संगठन है वो यहाँ पर आ रहे हैं? सबसे पहले ये सदस्य आए हैं हमारे हमारी सेवा के लिए, जिस दिन मैं आया हूँ मेरे 10 मिनट बाद ही तुरंत आ गए हैं, और कहीं बहुत दूर से गाड़ी चला के लाए थे, कह रहे मैं टाइम मेरे पे नहीं था मैं इसलिए सीधा यहाँ आया हूँ, उन्होंने हमारी जो परेशानी वो सुनी, उन्होंने पब्लिक के सामने रखवाई और हमारे उस दिन से ही मदद कर रहे हैं। ठीक है, कौन से संगठन से हैं सर आप? मैं देखिए मैं हिंदू हूँ, मैं किसी संगठन पे विश्वास नहीं करता हूँ और मैं सब संगठनों के लिए कार्य करता हूँ। जब मेरी मात्र 23 वर्ष की उम्र थी, मैं 1990 में तब भी अयोध्या में था। क्या नाम है आप? मेरा नाम राजेश भसीन है। पहले मैं वैसे हिंदू आर्मी का चीफ था, लेकिन मैंने किसी कारणवश वो अपनी मैंने संगठन छोड़ दिया है। लेकिन जहाँ कहीं भी किसी हिंदू पे कोई भी आघात होगा, अत्याचार होगा, हम उसके लिए तत्पर खड़े हुए हैं। जब मेरे को जैसे ही सूचना मिली कि सराय काला खा में कुछ मुस्लिम, कथित मुस्लिम मैं कहूंगा, जिन्हें आप अल्पसंख्यक कहते हैं, शांति दूत कहते हैं, शनिवार की रात को एक सुनियोजित योजना के तहत कम से कम 40-50 बलवाइयों की भीड़ ने इस गली के अंदर आक्रमण करा। मैंने जब वो सीसीटीवी फुटेज देखी, न्यूज नेशन चैनल में देख रहा था, मैं तुरंत वहां से बिल्कुल बगैर किसी को सूचना दिए यहां पर पहुंचा। मैंने गली का माहौल देखा, बिल्कुल यहां लोग सहमे हुए थे, डरे हुए थे, और जब मैंने उनसे बात करने को कहा तब भी वो अपना पक्ष नहीं रख रहे थे। जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ आप उस दिन यहाँ पर आए, उस दिन रात को तो क्या तस्वीर थी यहाँ पे? अच्छा, सुबह आए थे आप? मैं सुबह यहाँ पर आया तो तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ, गली के लोग डरे सहमे हुए थे, यहाँ पर डरे सहमे हुए थे। जब मैंने उनको सांत्वना दी कि हम हिंदू संगठन आपकी सहायता करेंगे, तब भी उनको विश्वास नहीं हुआ, उनको मैंने विश्वास में लिया और सारी यहाँ की स्थिति से लोगों को मैंने अपने लाइव पेज पर मैंने अवगत करवाया। मैं आभारी हूँ हिंदू संगठनों का और आम जनता का, सोशल मीडिया का, जिन्होंने मेरी बात रखी, और आज आप जैसे न्यूज चैनल यहाँ पर उनका पक्ष रखने के लिए आ रहे हैं। ये दो तरफा प्यार का मामला था। मामला ये था कि हिंदू युवक अल्पसंख्यक कहे जाने वाले मुस्लिम युवती से काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते थे और बाकायदा दोनों बालिग भी हैं। इन दोनों ने मंदिर में शादी करी, कोर्ट मैरिज कर ली। जब लड़की के परिवार वालों को यह पता चला तो उनसे यह बर्दाश्त नहीं होगा, वो सुनियोजित योजना के तहत इनके पूरी गली के ऊपर आक्रमण करा। यहां कम से 15-20 बाइकें खड़ी थी, क्योंकि गाड़ी तो आपको देखा इस जगह पे आ नहीं सकती है, फोर व्हीलर। उन्होंने सारी बाइकें जो मैंने फुटेज भी आपको दिखाई है कि पुलिस चौकी के अंदर
जाके मैंने दिखाया किस तरह से लोहे की रोडों से बाइकों की हेडलाइट तोड़ी, टंकी तोड़ी, पीछे की सीटें फाड़ दी। अगर वो रोड किसी जीवित व्यक्ति की लगती तो आप सोच सकते हैं कि उनका क्या हाल होता। लेकिन अब सारे हिंदू संगठन उनके साथ है। हम सिर्फ ये चाहते हैं प्रशासन से, हम लड़का और जो हमारे घर की इज्जत बन चुकी है वो लड़की, उनकी सुरक्षा की मांग करते हैं। और यहाँ की जो सरकार है केजरीवाल की, उन पे हम लानत भेजते हैं 100-100 बार। यहाँ से वो डांसों तो चली जाती है अलका लांबा एक लड़के को, जबकि वो पानी पीने नहीं गया था, वो शिवलिंग पे हमारे कुछ ऐसी गलत क्रिया कर रहा था। मैं आपको बताना नहीं चाहता, सबको मालूम हो क्या करने गया था शिवलिंग के ऊपर, वो विसर्जन करने गया था। क्या मैं मुंह से नहीं बोलूंगा। उस लड़के की सहायता के लिए भीम आर्मी वाले 6 लाख रुपए देते हैं, एजाज खान फिल्म एक्टर 25-15 लाख रुपए भेजता है, यहां से 5 लाख रुपए आम आदमी के अलका लांबा देने जाती है। लेकिन इस पीड़ित परिवार की सहायता के लिए कोई भी यहां का प्रशासन का से सहायता करेगा? और मैं मांग करता हूं पुलिस प्रशासन से, इनकी सुरक्षा, इस गली की सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, क्योंकि उन्होंने धमकी दी है। इस बार होली गुलाल से नहीं होगी, खून की होली होगी। अगर उन्होंने एक भी उंगली इस परिवार की तरफ उठाई तो इस अंजाम का जिम्मेदार यहाँ का पुलिस प्रशासन होगा, यहाँ की राज्य सरकार होगी। तो जैसे कि आपने पूरा मामला सुना और आपने यहाँ पर लोगों की बात भी सुनी, क्या कुछ उस रात को हुआ? शनिवार रात का ये मामला था जब 25 से 30 लोग इस गली में आए और यहाँ पर हुड़दंग मचाए, यहाँ पर तोड़फोड़ की। जो लड़का है सुमित, उसके पिताजी की बात भी हमने आपको सुनाई, उनके पिताजी का क्या कहना है? और यहाँ पर जो भी सुरक्षा व्यवस्था है वो इस समय पुलिस की तरफ से पूरी चकाचौंध सुरक्षा व्यवस्था की रखकर रखी है। चारों तरफ यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है, किसी भी तरह की अनहोनी ना हो जाए इसके लिए। तो हमने एक पक्ष की बात सुनी और दूसरे पक्ष की बात रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक पक्ष की बात सुनकर ही कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सराय काले खां में, ये डीडीयू फ्लैट्स का इलाका है, जहाँ पर वो जो लड़की है जो कि मुस्लिम पक्ष की है, उनकी फैमिली यहाँ पर है, और इनसे हम बात करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या था जो कि उस रात को घटित हुआ और जो कुछ भी हुआ। तो यहाँ पर ये जो है उस लड़की की बहन है, सिस्टर है, तो इनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मैम, जो कुछ भी हुआ आप पूरी बात बताइए हमें पहले। हमें कुछ नहीं पता, बस हमारी बहन चले गई, हमने उसका आरोप भी लगाया कि किडनैप हुआ है, क्या हुआ है, पुलिस ने कुछ भी हमारी कार्रवाई नहीं करी, पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया। और बाद इतने दिनों बाद, 3-4 दिन बाद पुलिस ने हमें उससे मिलवाया भी, तो वहाँ पे सारे पुलिस वाले, मैं खुद मिलने गई थी अपनी बहन से, तो सारे पुलिस वाले जब मैं बेहोश होकर गिर गई तो हंस रहे थे, कह रहे थे ये नौटंकी कर रही है, सनलाइट कॉलोनी के पुलिस वालों ने। वो जो लड़का है उसके पापा से हमने बात करी, उसके पिताजी का कहना है कि हमने 6 महीने पहले बोला था और बात भी करी थी और पहले सब कुछ राजी था। ये एलिगेशन लगा रहे हैं हम पे ये सारी, ताकि हम लोग बुरे हों और उनको सफाई मिल जाए जी। और शनिवार रात को जो कुछ भी हुआ उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जो है लड़की वालों ने करवाया है, जो कुछ भी वहाँ पर 25 से 30 लोग आते हैं और इस तरीके, हमें क्या पता किसने कराया। ये है कि सब कुछ फैला हुआ था, अगर कोई और भी कर जाएगा हमारे ऊपर नाम आएगा, यही हुआ है हमारे साथ, पता नहीं कौन कौन था और हमारे ऊपर नाम आ गया। हम अपने भाई से भी, अपनी बहन से तो हाथ धो बैठे हैं, अपना भाई भी खो रहे हैं, हमारे भाई को भी पुलिस ने पकड़ रखा है, हम क्या करें। अच्छा, तो मतलब हम तो परेशान है ना दोनों तरफ से, उन लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया, हमने ये कहा वो कहा, हमने कुछ नहीं कहा। आपकी बहन को जबरन ले गए? हमें कुछ नहीं पता कैसे गई वो, कैसे नहीं गई हमें नहीं पता। हमने पुलिस कंप्लेन करी, पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करी, भागा दौड़ी करते रहे, पुलिस कह रही आज 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 ढूंढ देंगे, कल ढूंढ देंगे, वो कार्रवाई हमारी नहीं हुई है कुछ भी। जो शनिवार रात को जो भी घटना हुई उसमें जो लड़के का पक्ष है उनका कहना है कि जो वहाँ पर हुड़दंगी आए थे, जो भी दंगाई आए थे, जिन्होंने वहाँ पर जो भी घटना की, जो भी तोड़फोड़ मचाई, उसमें आपकी बहन जो है उन्होंने सबकी पहचान करी है, और वो कह रहे हैं कि 17 से 20 लोगों की पहचान करी है कि उन्हें हम जानते हैं और वो हमारे घर से ही हैं। मुझे नहीं पता, वो पता नहीं मुझे उसने क्या करा है, क्या नहीं करा, किसकी साजिश है, क्या है, बस ये मुझे नहीं पता क्या है क्या। इस समय से आपकी बहन को जानती थी? मुझे नहीं पता कुछ भी उसके बारे में। अगर उसकी इंगेजमेंट थी 20 तारीख को और खुद सारा सामान लेके आई है, अगर उसको कुछ होता तो वो मुझसे तो बोलती, मैं बड़ी बहन हूँ उसकी, तो माँ से नहीं बोलती, बहन से तो बोलती। वो उसने कुछ नहीं बोला, सारा सामान खुद लेके आई, तो हम कैसे मान लें। मतलब घर पे पता था कि आप कुछ हो रहा है, मतलब लड़के को जानते थे घर वाले सारा कुछ?
कौन से लड़के को? वो जो लड़का था, जो सुमित नाम का जो लड़का बताया जा रहा है, क्या आपके घर में उसके और कुछ हम नहीं, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। अगर उसके दिमाग में, लड़की के दिमाग में कुछ होता तो वो हमें पहले बताती। हम उसकी इंगेजमेंट हमने फिक्स कर दी, 20 तारीख को इंगेजमेंट थी। अच्छा, किसी और से इंगेजमेंट फिक्स? किसी और से इंगेजमेंट फिक्स करी थी, इंगेजमेंट थी उसकी 20 तारीख को। हमारी कितनी बदनामी हुई है हम ही जानते हैं। ऊपर से लोग, मीडिया, ये सब हमारे ऊपर ही तोहमत लगा रहे हैं। बदनामी हमारी हुई है, उन लोगों की नहीं हुई है। तो मतलब अपनी शादी के लिए फिर भी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस अपना भाई मिल जाए सही से, बस ये। तो अपनी शादी के लिए वो खुद ही शॉपिंग करके आई थी और खुद ही सब कुछ शॉपिंग करके आई थी अपनी इंगेजमेंट के लिए, बाद में ये सब करती है। अच्छा, यही है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर बात सुनी उनकी, ये लड़की की बहन है जिन्होंने अपना पक्ष रखा, ये आपके फादर हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लड़की हैं उनके फादर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, जो कुछ भी मामला हुआ, अभी जो कुछ भी कहा जा रहा है लड़के के पक्ष से, कहा जा रहा है कि सब कुछ हमने पहले से बता दिया था, 6 महीने पहले सब कुछ हमने बात भी करी थी लड़की वालों के घर से, और उसके बाद सब कुछ हो गया था, और अचानक से फिर शनिवार की रात ये घटनाक्रम हो गया। क्या कुछ कहना है आपका? शनिवार की रात मतलब कौन सा दिन था? शनिवार को उनका कहना है, शनिवार को जो भी सीसीटीवी फुटेज में आया है, 25 से 30 लोग जी, ये तो जी खामखां का ब्लेम लगाया जा रहा है। खामखां का ब्लेम, जिसको कहते हैं ब्लेम, मतलब हमें क्या पता कहाँ के लोग हो सकता है, उनके ही लोग हों, मेरे लड़के को उठा के ले गए, ठीक है ना, हमारे पर ब्लेम लगा दिया। हमारे पास कौन से 25 से 30 लड़के, यहाँ पर मेरी सिर्फ सिंगल फैमिली रहती है यहाँ पर, मेरा सिर्फ एक ही भाई है और एक ही भाई है, उसको जान बूझ के फंसाया जा रहा है ताकि ये लोग दब जाएं। ये मतलब इस तरीके से ऐसा होगा तो ये देश में क्या फायदा इस ऐसे देश में जीने का, बताइए मुझे। यहाँ पर ये भी बात सामने आ रही है, वो जो आपकी बेटी है उन्होंने खुद ही जो सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक उन्होंने 17 लोगों की पहचान करी है, और उन्होंने ये चीज़ बोली है कि जो 17 लोग हैं ये हमारे घर से ही हैं। बेटी है, लाओ उसको सामने ले, क्या उसको सामने लेके आओ, अगर वो कहेगी तो ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं जाऊँगा उसकी जगह पर होने के लिए। अगर वो बेटी नहीं रहती तो आने के लिए तो पैसा भी नहीं, अब वो बेटी नहीं है, ठीक है ना जी। तो मतलब अब पुलिस की तरफ से आपको क्या कुछ कहा जा रहा है, मतलब कुछ सुरक्षा व्यवस्था आपके लिए? नहीं, हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं, पूरी सुरक्षा वही है। यहाँ कौन सी सुरक्षा है बताओ मुझे आप, यहाँ दिख रहा है कोई आपको? अब तो एक भी कोई पुलिस फोर्स दिखी यहाँ पे, वो हमला हम पे भी कर सकते हैं, हमारे लिए कोई पुलिस फोर्स नहीं है, सारी पुलिस फोर्स उन लोगों के लिए लगी हुई है वहाँ पे, और सब उनका साथ दे रहे हैं, हमारा कोई साथ ही नहीं दे रहा, ना ही हमारी कोई सुन रहा है, ठीक है। तो सर, अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, शासन से क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते, हम अमन चैन ही चाहते हैं बस, हम कुछ नहीं चाहते, अमन चैन ही बिल्कुल। अगर बेटी अब आ जाती है तो रखेंगे? नहीं, हम नहीं रखेंगे उसे, नहीं, हमें उससे अब नाता नहीं है कोई भी, बस अगर वो आना चाहती है तो वेलकम है, नहीं आना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप उसकी शादी को लेकर आप चाहते हैं, अगर सहमति बनती है तो आप सहमति, अगर शादी कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने उसी दिन सर के सामने बोल दिया था, साहब के सामने, डीसीपी ऑफिस में भी और वहाँ भी एसएचओ साहब के सामने, मैंने कहा जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो नहीं आना चाहती है कोई दिक्कत नहीं, अपने खुशी रहे, अपने जहाँ भी है अपने मन मर्जी जी। तो जैसे कि यहाँ पर हमने दोनों पक्षों की आपको बात सुनाई, फैसला आपको करना है। अब जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के पुलिस जो है छानबीन कर रही है, और यहाँ पर जो है गिरफ्तारियाँ भी हो चुकी हैं, अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे कुछ क्या होता है। 10 न्यूज़ के लिए शुभम गुप्ता की रिपोर्ट, दिल्ली।